हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? रात में सिर्फ एक काम करो और आपकी विश 24 घंटे में पूरी हो जाएगी। यस, आपको क्या करना है रात पे जिससे आपकी विश 14 टू 24 आवर्स में पूरी हो जाए? और मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद अपनी विश को 14 टू 24 आवर्स के अंदर पूरा किया है। एक या दो विश को नहीं बल्कि बहुत सारी विशेस को। हाँ, टाइम स्पेंड ज़रूर कम ज़्यादा हुआ है, 48 आवर्स भी हुआ है, 3-4-5 दिन भी लगे हैं, लेकिन विश ज़रूर पूरी हुई है। सबसे पहली चीज़ कि दिन भर तो हम बहुत कुछ सोचते हैं क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड चलता ही रहता है, लेकिन रात में आप क्या सोच रहे हो, रात के वो सोते वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रात के वक्त जब आप एक नींद वाली स्थिति में आते हो ना, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो बिल्कुल नीचे चला जाता है, मतलब वो सोने लगता है, और आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है वो जग जाता है, यानी कि वो एक्टिव हो जाता है। तो जब आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है तो आप जो भी चीज़ सोचते हो या जो भी चीज़ फील करते हो वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। क्यों मैनिफेस्ट हो जाती है? क्योंकि हमारी लाइफ में क्या चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं? हमारी लाइफ में वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जिस चीज़ की प्रिंट छप जाती है वो चीज़ हमारी लाइफ में आ जाती है, वही एक्सपीरियंस हम अपनी लाइफ में करने लगते हैं। तो हम अपने सबकॉन्शियस को कब क्या देंगे ये डिपेंड करता है कि हम रात में खासकर क्या सोच रहे हैं। क्योंकि दिन में बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो, टीवी देखते हो, मैगजीन पढ़ते हो या फिर वीडियोस देखते हो। अब कौन सी चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट कर गई, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। हो सकता है आप कोई मूवी देख रहे हो और मूवी में आप इतना खो जाओ या इतनी फीलिंग दे दो कि कोई उस मूवी की कोई एक ऐसी बात आपके सबकॉन्शियस में चली जाए, और वो बात आपके सबकॉन्शियस में चली गई है और आपको कई बार पता भी नहीं चलता है, और ये चीज़ फिर आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो। फॉर एग्जांपल, आपने कोई मूवी देखी है जिसमें आप देख रहे हो कि लड़का और लड़की हैं और दोनों में प्यार हुआ और एक ने धोखा दे दिया, और इस तरीके की आपने फीलिंग दे दी कि ओह माय गॉड, ऐसा भी होता है, इस तरीके के लोग भी होते हैं जो प्यार में धोखा दे देते हैं, और आप बहुत डीप फीलिंग आपने दे दी और वो बात आपके सबकॉन्शियस में चली गई। आप जगे हुए हो उस टाइम, आपका कॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से एक्टिव है, लेकिन वो बात आपके सबकॉन्शियस में चली गई, आपको पता भी नहीं चला। तो अब क्या होगा, आप एक्सपीरियंस करोगे, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर आप उस चीज़ को कनेक्ट कर पाओगे, या तो इस तरीके की घटनाएं आपके साथ हो जाएंगी या फिर आपका बिलीव ऐसा बन जाएगा जिसकी वजह से आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करो। तो डेलिब्रेटली या जानबूझकर अगर हम अपने सबकॉन्शियस में किसी चीज़ को फिट करना चाहते हैं कि मेरा सबकॉन्शियस यही चीज़ को ले, इसी चीज़ का प्रिंट ले ताकि ऐसी ही लाइफ में एक्सपीरियंस करूँ, तो उसका सही समय रात का समय होता है। क्योंकि रात में जब हम सोने जाते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव नहीं होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, क्योंकि हम ज़्यादा सोचते नहीं, हम तो नींद में होते हैं, तो हम ज़्यादा थॉट्स नहीं चलेंगे हमारे दिमाग में। तो जब थॉट्स नहीं चलेंगे हमारे दिमाग में तो क्या होगा, हमारा अवचेतन मन एक्टिव हो जाएगा, और अब डालो जो डालना है, अब जो लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहते हो, जो चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो अपने सबकॉन्शियस को दे दो। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, रात में स्लीप टेक्निक आप इसको बोल के चलो कि रात में सोते वक्त आपको इस टेक्निक को करना है। कैसे करोगे, रात में जब आप सो रहे हो और आपको पता है कि अब आप उठने वाले नहीं हो, ना तो आप फैन ऑन करने के लिए उठोगे, ना लाइट ऑन करने के लिए, ऑफ़ करने के लिए उठोगे, या ना फिर आप वॉशरूम यूज़ करने के लिए उठोगे, ना पानी पीने के लिए उठोगे। पहले से ही पक्का कर लेना कि अब मुझे उठना नहीं है, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़, अब मैं फाइनल लेट गया, मुझे कोई काम नहीं है, लेट गई, ठीक है। देन सबसे पहले गहरी सांसें लोगे, 8, 10, 12 जब तक रिलैक्स फील ना करो, क्योंकि सबसे पहला काम क्या करना है, बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दो, भूल जाओ लाइफ में क्या चल रहा है, क्या लाइफ में क्या रायता फैला हुआ है, क्या परेशानी है, सब कुछ भूल जाओ, अपने दिमाग से सब कुछ निकाल दो, एकदम लेट जाओ,
अपने हाथ पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दो और भूल जाओ सारी चिंताओं को, एकदम रिलैक्स माइंड में आ जाओ। देन जैसे ही आपको लगता है कि मेरी बॉडी एकदम से रिलैक्स हो गई है, फील करो, किसी भी चीज़ को फील करो, कोई भी फीलिंग को पकड़ लो, बस करना क्या है, फील गुड करना है। अब अगर आप अपनी रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो, आपका मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने रीयूनियन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो, कुछ भी जैसा चाहते हो, तो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप उस पार्टनर के बारे में सोचकर ही फील गुड करो, है ना। अगर वहाँ से कोई पेन मिल रहा है, स्थिति वहाँ पर ख़राब है, तो वहाँ पर ही सोचकर मैं अपनी फीलिंग को चेंज करूँ ज़रूरी नहीं है। इसलिए जो भी चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी है उसके बारे में सोचो, जिस चीज़ के लिए फील करते हो कि यार ये चीज़ बेस्ट है, भले ही मेरी लाइफ में आज एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं है, भले ही जो मेरा पार्टनर है मुझसे सेपरेट है, लेकिन मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मुझे मेरी जॉब अच्छी है, भले ही जॉब अच्छी नहीं है, पार्टनर भी नहीं है, लेकिन मेरी हेल्थ अच्छी है, तीनों चीज़ नहीं है, लेकिन मैं ज़िंदा हूँ, मैं खुश हूँ, कुछ तो है जो अच्छा है जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ, उसके बारे में सोचो और उस फीलिंग में आ जाओ। जब आप उसके बारे में सोचोगे, जो चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी है, आप अपने आप ही एक अलग जोन में पहुंच जाओगे, एक अलग वाइब्रेशन आप यूनिवर्स को दोगे, क्योंकि आप बहुत अच्छा फील करोगे। याद रखना, फीलिंग इज़ द सीक्रेट, जो आप फील करते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि जैसा आप फील करोगे तो आपकी जो वाइब्रेशन है वही यूनिवर्स में जाती है, और यूनिवर्स क्या करेगा, आपकी वही वाइब्रेशन को लेकर सेम वाइब्रेशन आपको दे देगा। तो आपको क्या करना है, फील करना है, कहीं से भी कुछ भी अच्छा फील करना है। एंड देन जैसे ही आप उस स्टेट पे आए कि अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, देन अब अपनी मैनिफेस्टेशन को याद करो या अपनी विश के बारे में सोचो। अब क्या चाहते हो, रिलेशनशिप फील करना, जॉब, हेल्थ, मनी, नया घर, क्या चाहते हो, जो भी आपकी विश है, अब उस स्थिति में जब आप फील गुड ऑलरेडी कर चुके हो, जब आप उस स्टेट में आकर अपने विश के बारे में सोचोगे, तो आप उस विश के बारे में नेगेटिव सोच ही नहीं पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। तो फील कर लो उस चीज़ को जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सोचो कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है, मेरा पार्टनर मेरे पास आ चुका है, मेरी शादी मेरे पार्टनर के साथ हो चुकी है, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल चुकी है, मुझे मेरा ड्रीम हाउस मिल चुका है, मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्या महसूस कर रहे हो उस वक्त, और जो महसूस करोगे वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाएगी ही जाएगी, और वही वाइब्रेशन आपकी विश को आपके पास लेकर आएगी। तो जब वो चीज़ जो मांग रहे हो आपको जब मिल जाएगी ना, तो उस वक्त जो आप महसूस करोगे वही महसूस करना है आपको वहाँ पर, कि वो चीज़ ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, वो फीलिंग में आना है। एंड देन उसी फीलिंग में उसी चीज़ को सोचते सोचते आपको सो जाना है। अब यहाँ पर ये गलती मत कीजिएगा, पहले भी बता चुकी हूँ कि वो फीलिंग आपने पकड़ ली, वो वाइब्रेशन में आप आ गए, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो वाइब्रेशन को ले रहा है, उसमें वो प्रिंट आ गया है, और उस वक्त आप उठ गए, अरे मुझे लाइट ऑफ करनी है, अरे मुझे पानी पीना, नहीं, उसी चीज़ में आपको सो जाना है। ये टेक्निक करके देखो, ये इतनी पावरफुल टेक्निक है। वैसे तो बहुत ज़रूरी है कि हम दिन भर क्या सोचते हैं, लेकिन अगर आप दिन भर में फिर भी नेगेटिव आपका चलता रहता है, लेकिन रात में इस चीज़ को ज़रूर करना। और जो लोग पहली बार इस चीज़ को ट्राई करेंगे, मेक श्योर कि बहुत छोटी विश से लेकर चलो, जहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि अभी मेरे पर्सन का कॉल मैसेज आएगा, रीयूनियन हो जाएगा, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, तो अभी उस चीज़ को मत मैनिफेस्ट करना इस टेक्निक के ज़रिए, फिर क्या होगा, डाउट आ जाएगा कि मेरे लिए काम नहीं किया। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं है, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है, वो चीज़ करके देखो, उससे विश्वास बढ़ेगा, लगेगा कि अरे ये तो हो गया, देन वो चीज़ अगर मैनिफेस्ट हो गई तो बड़ी चीज़ भी मैनिफेस्ट हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स के लिए तो छोटा बड़ा कुछ होता नहीं है, आपके विश्वास पर काम करता है हर चीज़। तो विश्वास अपने आप बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ जाएगा, जब आप छोटी छोटी चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे, जिस चीज़ पर रेजिस्टेंस कम है, तो इस चीज़ को करके देखो,
इतने अमेजिंग रिजल्ट आएंगे ना, इतने अमेजिंग रिजल्ट आएंगे कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। ये टेक्निक बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव होता है उस समय कि आप उसको जो दोगे वो वही ले लेगा और वो वही आपको लाइफ में लेकर आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।